तेजस्वी यादव का कहना था कि यह सरकार चलने वाली नहीं है, तो यह सरकार कहाँ जा रहा है जो नहीं चलने वाली है? सरकार पूरे अपने कार्यकाल पूरा करेगी, और जो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना तेजस्वी यादव अभी छोड़ दें। तेजस्वी यादव जब भी कोई बिहार में आपदा आता है, चाहे बाढ़ आए, सुखाड़ आए, चाहे चमकी बुखार आए, चाहे अभी कोरोना पार्ट वन पार्ट टू आया, तो इससे बिहार छोड़कर बाहर चले जाते हैं और वहीं से ट्यूटर बॉय की तरह ट्यूट करते हैं। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। जदयू के कद्दावर नेता संतोष कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कल बिहार पहुंचे हैं, और बिहार पहुंचने के साथ ही राघोपुर क्षेत्र का वो अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने गए थे। इसके बाद इस बात की कयास फिर से लगने लगे हैं, राजद के लोग इस बात का दावा करने लगे हैं कि अब तेजस्वी यादव बिहार लौटे हैं तो सरकार बना लेंगे, अपनी सरकार बना लेंगे। क्या कह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ख्वाब देख रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना था कि यह सरकार चलने वाली नहीं है, तो यह सरकार कहाँ जा रहा है जो नहीं चलने वाली है? सरकार पूरे अपने कार्यकाल पूरा करेगी, और जो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना तेजस्वी यादव अभी छोड़ दें, और पहले उनको ये बताना चाहिए बिहार की जनता को, देश की जनता को, कि अगर वैक्सीन COVID-19 का वैक्सीन लिए हैं कि नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं तो उनको वैक्सीन लेना चाहिए, और जो भीड़ में जा रहे हैं तो भीड़ में, कोरोना काल अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, अनलॉक का पार्ट 2-3 चल रहा है, तो इसमें तेजस्वी यादव जी को भीड़ से बचना चाहिए अभी, और बिहार की जनता को भी बचाना चाहिए। जो लोग उनके कार्यक्रम में भीड़ लगा रहे हैं, उनके सभा में भीड़ लगा रहे हैं, उनके रास्ते में भीड़ लगा रहे हैं, इससे कोरोना फैलने का खतरा है और बढ़ता है। तेजस्वी यादव जी को ख्वाब देखना बंद करें, बिहार की जनता अभी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहा है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने एक आदेश जारी किया था जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी रोक लगा दिया गया था अपने क्षेत्र में जाने के लिए, रोक अभी तक है ही या फिर खत्म हो गया? देखिए, अभी तो रोक ख़त्म हुआ है, अनलॉक चल रहा है। अनलॉक में कुछ सिस्टम पर ढिलाई दिया गया है, कुछ जगह ढिलाई दिया गया है, प्राइवेट गाड़ियों पर ढिलाई दी गई, इससे ये नहीं हुआ है कि आप बड़े बड़े सभा करें, कार्यक्रम करें, तो इस तरह का कार्यक्रम सभी नेताओं को बचना चाहिए जब तक पूरे कोरोना मुक्त हम लोग नहीं हो जाते हैं। जी, तेजस्वी यादव जी के बारे में बहुत तरह की बातें चल रही थी कि वे बिहार से बाहर थे, तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, क्या कहना चाहिए? तेजस्वी यादव जब भी कोई बिहार में आपदा आता है, चाहे बाढ़ आए, सुखाड़ आए, चाहे चमकी बुखार आए, चाहे अभी कोरोना पार्ट वन पार्ट टू आया, तो इससे बिहार छोड़कर बाहर चले जाते हैं और वहीं से ट्यूटर बॉय की तरह ट्यूट करते हैं। आपदा के समय अपने बिहार की जनता के साथ बिहार के में रहना चाहिए तेजस्वी यादव को, वो हमेशा आपदा में बाहर चले जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।